अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फुर्की भाई से। ठीक है फुर्की भाई, फुर्की भाई ने आज न्यू शूज दिए हैं। आ ना आप किधर गया, किधर गया, सबर सबर उनसे इधर आओ, इधर आओ ना यार, आओ सारों को बताओ यार, बात सुनिए। ओ यार बात सुनो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे बाने वाले काम ही ना करो यार। ये देखिए हमारे शहीद भाई हैं, कितने का ये, आज का व्लॉग इसकी पुरानी भी साथ जोड़ना है, बहुत सारे हम देर पे इंशाल्लाह मिलते तस्वीर होगी। ये सारे यार सिमरन की मस्ती है यार, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये जो ना उनमें आ रहे हैं, ये उनमें आ यार इनकी तो छोड़, एक तो उन्होंने एंटीक पीस बनाया, साथ उन्होंने नई शूज दे दिए। चुप यार, शहीर ये क्या कर दिया आपने? कहा मैंने कहा कि मैं रहता हूँ बैरिया टाउन पे, मैंने कहा थोड़ा बैरिया टाउन के मम्मी डैडी बच्चा बन जाता हूँ, लेकिन 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 एक्चुअली ब्रो ऐसा हुआ ना कि वो मैं ज्यादा ही चूतिया लाइन लग पड़ा, इलाज भी है। आप क्या कहना चाहते हो यार? मैं तो कह रहा हूँ बहुत प्यारे लग रहे हैं, हर कोई इन पे फ्लैट हो रहा है, असल में लड़कियों के अलावा। असल में अभी तक 10-12 लड़के मेरे को फ्लैट हो चुके हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। एक तो आके ये खड़े भी हमारे साथ हो रहे हैं, तो पता नहीं यार भाई लड़कियां में देखा है, आप देखेंगे आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो इनके लिए हम स्पेशल ऑफर एक लेके आ रहे हैं, जो के 500 रुपए में बर्गर भी और वो भी। यार एक बात सुन, एक बात सुन यार, ये सोच की किससे कैसे करवाया यार? असल में मैंने आपको सोच कैसे, आई लिव इन बलिया टाउन रावलपिंडी, so I decided to be mummy daddy, so but it went wrong, mummy daddy goes wrong. क्यों काश ये जी चेक करे जी, फैजी साहब बैठे हुए हैं जी, कैसे हो? ठीक हो ये जी, बैठे हुए हैं सुफी साहब, सैफ साहब, जैन साहब, फुर्की जी। टेस्ट तो लाजमी ले मैम, वाओ वाओ डेंजरस डेंजरस वाओ डेंजरस 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 यार ये है वो, मैं तो पहली बार देख रही हूं, और इनको बोल क्विज है। फुर्की साहब पढ़ते हुए बहुत मसरूफ हुए हैं, पढ़ते हुए क्विज की तैयारी करते हुए। पावा है सर, आधार पूरा आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो अभी हम जा रहे हैं आइट्स की क्लास लेने, तो आज बहुत थक गए हैं, तो अब आगे जाके देखते हैं यार, आज जल्दी छुट्टी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए अब अभी रास्ते में टाइम लेट हो गया, जाते हैं तो फिर आगे आपको जाके बताते हैं। जी हम क्लास लेने पहुंच गए, तो अब और दिखाते हैं आपको आज कि आज क्या पढ़ेंगे, क्या होगा। Thank you.
जी हम अकेडमी से आए हैं, तो एक दोस्त का लास्ट डे अकेडमी में, तो वो कहता पार्टी दूंगा, ठीक है। तो अभी आया, मैं डिसाइड ही नहीं हो रहा कि क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। भाई से बताओ यार क्या खाना है आपने? पता नहीं भाई से कुछ, वो आएंगे जिनका लास्ट वो, उनका तो उनसे तो डिसाइड ही नहीं हो रहा किधर के, वो चले गए देखने चीज़ें। तो तुम्हें क्या पसंद है कोई बताओ? जो भी कढ़ाई ठीक है या रोल पराठा? दोनों ठीक है। दोनों फिर भी कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हो? हाँ कुछ भी नहीं। ये आ गए। तो क्या डिसाइड हुआ है? कढ़ाई खाएंगे। कढ़ाई, चलो चलो आगे के दिखाते हैं आपको भी थोड़ा सा। कितना टाइम लगेगा कढ़ाई में? आधा घंटा। आधा घंटा, चलो कोई नहीं। मुझे एक दिन पहले वेटर को बुला के आने दे, उसने लेट कर देने वाला। हम बैठ गए हैं तो अब देखते हैं इनको। वेटर को बोला हुआ था, कह रहे हैं 30 मिनट्स लगेंगे। तो अब बैठे हुए हैं, ये देखो ये भाई ऑर्डर दे भी चुका है फिर भी मेन्यू ही पढ़ रहा है अभी तक। तो ये जगह आई गेट मरकज बहुत मजे का यार, मरकज हर तरफ फूड ज़्यादा, यहाँ पे फूड्स की दुकान है। क्यों ना, क्या बोलते हैं, पिंडी ज़्यादा अच्छा है यार इस्लामाबाद। ये जी कजन की तरफ आए हैं, कजन के घर की तरफ। तो ये इब्राहिम और ये बाबर, मलक बाबर है, मैं साहब हैं। क्या हाल है भाई, सुनाओ? मजे तुसा ने जी, और किधर आया? चलो पै चक्कर मारिया ने है। हां ना, चलो चक्कर मारिया यार। और सुनाओ बबलू, किधर जा रहे हो? ये जी सारे रास्ते बंद हुए हैं, पता नहीं इनका कौन सा एक्सपेक्शन शायद ये है। फुल रोड बंद हुए हैं इस टाइम, तो आवाम पता नहीं कहाँ कहाँ से आई हुई है, फिर भी रोड बंद उन्होंने आगे किए हुए हैं। ये लो मोटरसाइकिल खराब हो गया है। खतरी मोटरसाइकिल है, आपको पता है ये खतरी मोटरसाइकिल? खतरी को, खतरी की कौन सी टाइप होती है यार? श्रीनगर हाईवे है, देख ले आप, इधर इधर इतनी गाड़ियाँ होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पर इस टाइम देख ले रोडों की सूरत हाल देख लें, यह पता नहीं कौन सी हुकूमत आ गई है। तो हुकूमत ठीक है भाई, हुकूमत ये शेर के सपोर्टर है मेरे साथ। तो चले, शेर नहीं है मतलब, ये देखे इतना प्रोटोकॉल किसी का नहीं होना चाहिए, देखे होना चाहिए भाई। तो फुल रास्ता बंद हुआ है, मामूलात खराब हुए हैं जिंदगी के, लाखों करोड़ों का हमारा बिजनेस है इस वजह से ठप हो गया। तो आप ही बताएं इनके लिए क्या होना चाहिए। देखिए आवाम कुत्ती की तरह खड़ी हुई है यहाँ पे, ये नहीं कितने आवाम है, दो पुलिस वाले उनको कुट के निकलते हैं आगे। दो कुत्ते मारे भी खड़े हुए उधर, ये दो कुत्ते खड़े हुए यहाँ पे, ये ये जी तीन बंदे बैठे हुए थे, छापा डाला है। तो ये अकेले अकेले थे, बैठ के खा रहे थे ये बंदे, ठीक है। तो एक बंदा आना नहीं चाहता कैमरे के सामने, उसे शर्म आती है। तो खा रहे थे अकेले अकेले बैठ के, इन पे छापा पड़ गया। तो अब इनके साथ मामलात करते हैं, तो फिर आगे आपको जब आते हैं कुछ खाने के लिए तो फिर आपको दिखाते हैं। क्यों टाइम लेट क्यों नहीं ना? हाँ, लाइक भी करने इनको, शेयर भी करने और सब्सक्राइब भी करने। वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।